बालों को काला, लंबा, घना, मजबूत और चमकदार बनाने के लिए आज का ये नुस्खा ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। आपके बाल इतने ज़्यादा खूबसूरत, काले, लंबे दिखेंगे ना कि लोग ज़रूर पूछेंगे कि आप क्या लगाते हो। तो आप उसको बताने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटिएगा कि मैं लगाती हूँ एलोवेरा जेल मेरे बालों पे, और वह भी बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा एलोवेरा का जेल लगाती हूँ जिससे मेरे बालों की खूबसूरती बढ़ती है। अब वो पूछेंगे कि किस प्रकार से लगाते हो, तो ज़रूर बताइएगा कि आप उसको किस प्रकार से अपने बालों पे लगाते हो। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही लगाती हूँ जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। फ्रेश एलोवेरा की टहनी लेनी है। अब ये टहनी तो हर जगह मिल ही जाती है, आपके गार्डन में भी ज़रूर होगी, देखना ज़रूर। आपको फ्रेश एलोवेरा जेल की टहनी लेनी है दोस्तों, जिसके अंदर जेल भरपूर मात्रा में भरा होता है। थोड़ा चिपचिपाहट होता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है, लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन दोस्तों इसके इतने फ़ायदे होते हैं, अनगिनत फ़ायदे होते हैं, हमारे बालों के लिए हो, हमारे स्किन के लिए हो, सभी चीज़ें जो है बहुत ही नरिश करता है बालों को, हमारे स्किन को। जो स्किन अगर कप का डार्क है तो उसका कलर भी थोड़ा निखारता है, दाग धब्बे को हटाता है, पिंपल्स मांसा वगैरह को कम करता है। तो एलोवेरा को यहाँ पे हेयर के लिए यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से साफ़ कर ले, धो ले, येलो वाला लिक्विड जो अक्सर निकलता है उसको अच्छे से साफ़ कर ले पानी से। और उसके बाद उसको अच्छे साफ़ करने के बाद इसका जो कांटा वाला पार्ट होता है उसको काट दे। उसके ऊपर से जो स्किन होती है, इसकी जो लेयर होती है दोस्तों, उसको ज़रूर हटाए, तभी आप इसका एलोवेरा का जो है जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल निकाल पाओगे। दोस्तों निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यकीन मानिए कितना ये फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। तो इसको आपको अपने जो ऊपर का लेयर हटाने के बाद चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छे से, बहुत सारा मेथड होता है निकालने का, मैं यहाँ पे चम्मच की मदद से निकाल रही हूँ। चम्मच के लिए आप यहाँ पे कोई भी चम्मच ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है पहले मैंने इससे ट्राई किया था लकड़ी वाली चम्मच की मदद से, पर ये बीच में ही टूट गया दोस्तों, तो फिर मैंने लिया स्टील का चम्मच, और इससे बहुत ही अच्छे से निकलता है। स्टील वाले चम्मच से जो है एकदम इस तरीके से देखिए बिल्कुल बाहर आ जाता है, और बहुत ही ज़्यादा स्टिकी स्टिकी भी आपको फील नहीं होगा। तो आराम से आप चम्मच की मदद से चम्मच को पलट करके आगे की ओर और फिर उसको अच्छे से निकाल लें। काफ़ी अच्छे से निकलता है ये एलोवेरा जेल, और इसी प्रकार से आपको सभी एलोवेरा जेल जो है निकाल लेना है दोस्तों। एलोवेरा जेल आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में भी निकाल करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ख़राब नहीं होता है। इसको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है, ज़रूरी नहीं कि आप हेयर के लिए यूज़ कर रहे हो, आप अपने स्किन के लिए भी जब यूज़ करोगे ना तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एलोवेरा की जेल निकाल ले, उसको स्टोर करके आप इसको ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी कोई डीआईवाई बना उसमें यूज़ करें। तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल आपने निकाल लिया है, उसके बाद उसको आपको ग्राइंडर जार में डाल देना है दोस्तों। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर शैम्पू। शैम्पू के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इस तरीके का जोंक शैम्पू, नेचर श्योर का है, जो कि काफ़ी अच्छा 100% नेचुरल होता है, एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर फॉल होता है दोस्तों, हेयर ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है और हमारे बालों को बहुत ही अच्छा करता है। ये बिल्कुल भी उस तरीके का वीडियो नहीं है, जो बोलते प्रमोशनल वाला वीडियो नहीं है। वीडियो में आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस में यूज़ करती हूँ इस प्रोडक्ट को, इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ दोस्तों। तो आप भी यहाँ पे यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा शैम्पू, सच में यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम केमिकल वाला होता है, अच्छा होता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। 3-4 चम्मच आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ले लें। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑलिव ऑयल लेना है, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है कैस्टर ऑयल, जो कि अरंडी का तेल इसको बोलते हैं, मार्केट में आपको बहुत सारे मिलेंगे, और उसको भी यहाँ पे 1/2 चम्मच जो है अपने बालों के लिए, जितना भी आपने क्वांटिटी बनाया उसके हिसाब से 1/2 चम्मच जो है कैस्टर ऑयल इनफ रहेगा। उसके बाद इसमें आपको ऐड कर देना है विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई की कैप्सूल आपको दोस्तों आराम से इवियन 400 करके किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छा रहता है ये हमारे बालों की ग्रोथ में, बिल्कुल यूनिक आज का DIY लगेगा आपको, बिल्कुल अलग सा, बहुत ही अच्छा है लेकिन दोस्तों। तो एक कैप्सूल को यहाँ पे आप इसके अंदर डाल दे, बहुत ही अच्छे से निचोड़ ले काट करके, और उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके काफ़ी अच्छे से इसको जो है ग्राइंड कर ले दोस्तों। आपको यहाँ पे हल्का अगर पानी की ज़रूरत लगे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बहुत ही अच्छे से ढक्कन लीड को बंद करके और बहुत ही बढ़िया फाइन इसको पेस्ट जैसा जो है इसको पीस ले, ग्राइंड कर ले। तो दोस्तों जब इसको ग्राइंड करोगे ना तो देखिए एकदम शैम्पू जो है ना बहुत ही बढ़िया स्टिकी जो है नेस ख़त्म हो जाती है इसकी, और बहुत ही अच्छे से घुल जाता है सभी चीज़ें एक दूसरे में, और बहुत ही बढ़िया फॉर्म में होता है दोस्तों। ये हमारा बन करके रेडी हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आज का मैजिकल हेयर DIY दोस्तों। सच में
यकीन मानिएगा आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसको लगाना और यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप कभी भी इसको यूज़ करें, वीक में कम से कम एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। उसका दोस्तों इसको क्या करना है आपको, जैसे भी नॉर्मली आप शैम्पू यूज़ करते हैं पूरी बालों पर अच्छे से लगा ले, चाहे वो आपके बाल हो, छोटे बाल हो, बड़े बाल हो, और स्कैल्प हो, सभी जगह अच्छे से लगा करके कम से कम अपने बालों पे 5 से 10 मिनट तक ज़रूर रहने दे। बहुत ही फ़ायदा करेगा अगर आप इसको थोड़ी देर अपने बालों पे छोड़ोगे तो। उसके बाद ही आपको इसको अच्छे से वॉश करना है। तो वॉश करने के पहले जब 10 मिनट के बाद हल्का एक बार बालों पर मसाज दे दे इस तरीके से, उसका शैम्पू कर ले दोस्तों। नॉर्मल मतलब शैम्पू तो आपने लगाया है, नॉर्मल पानी से वॉश कर ले। बाल आपके इतने खूबसूरत होंगे कि दोस्तों आप यकीन करना भूल जाओगे, बहुत ही चमकदार, बहुत ही लंबे, काले, घने। आप भी ट्राई कीजिए और दोस्तों हमें अपने अनुभव जरूर बताइए। और देखना चाहते हैं दोस्तों हमारे और भी ऐसे वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप हमें फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, सभी जगह फॉलो कीजिए। शॉर्ट्स के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के शॉर्ट्स वीडियोज़ में बना के रखती हूँ, आपको देखती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।